नेपाल में नया राजनीतिक नक्शा जारी करने के लिए विधेयक लाया जा चुका है। इसके तहत लिपुलेख, कालापानी और लिम्पिया धुरा को नेपाल अपना हिस्सा मान रहा है। इसमें वो तीन गांव भी शामिल हैं जहां से लगातार आईएएस, आईपीएस और पीसीएम ऑफिसर निकलते रहे हैं। इन तीनों ही गांवों पर नेपाल ने अपनी दावेदारी बताते हुए उन्हें अपने देश का अहम हिस्सा माना है। नेपाल के नए राजनीतिक नक्शे पर मचे घमासान में फंसे ये तीन गांव हैं कुटी, गुंजी और नबी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बस इन तीन गांवों की एक खासियत इन्हें सबसे अलग बनाती है और वो है यहां से लगातार ब्यूरोक्रेट्स का निकलना। तीनों ही गांवों की टोटल जनसंख्या लगभग 3000 है। इनमें आधा दर्जन से ज्यादा आईएएस और आईपीएस हैं, साथ ही पीपीएस और पीसीएस अफसर काफी सारे हैं। इन्हीं तीन गांवों को नेपाल ने अपना अभिन्न हिस्सा कहा है। इसी गांव से आईपीएस संजय गुंज्याल ने, जो साल 1997 बैच के हैं, वे वर्तमान में आईजी हैं और एवरेस्ट फतह कर चुके हैं। एक और आईएएस हैं विनोद गुंज्याल, जो फिलहाल बिहार में तैनात हैं। साल 2011 बैच के आईपीएस अफसर हेमंत कुंतियाल, जो फिलहाल यूपी में हैं, वे भी उत्तराखंड के इसी हिस्से से आते हैं। साल 2004 बैच की पुलिस अफसर विमला गुंज्याल भी यहीं से हैं, जो इन दिनों उत्तराखंड पुलिस में डीआईजी हैं। इसी इलाके से धीरेन्द्र सिंह गुंज्याल और अजय सिंह नाबियाल भी हैं। इसके अलावा पीसीएस श्रेणी के कई अधिकारी यहाँ से आते हैं।